गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। आज आप लोगों को एक नया वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि मोमबत्ती कैसे बनाते हैं। तो गाइस चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं मोमबत्ती कैसे बनाते हैं। तो चलिए इधर इधर देखिए, ये है डाइस, इसमें ही मोमबत्ती बनाएंगे और बना के आप लोगों को आज दिखाएंगे इस मशीन में। सबसे पहले जो काम है, ये मशीन तो आप लोग देख ही रहे हैं, ये दो पार्ट का है। तो इस साइड में भी पानी डालना है और इस साइड में भी पानी डालना है। तो पहले पानी डाल देते हैं। तो गैस देख सकते हैं कि मैं बाकेट से पानी दे रहा हूँ, क्योंकि पानी इसलिए दे रहा हूँ जब गर्म पैराफिन वाला मशीन में डालेंगे तो जल्दी ठंडा होने के लिए ये पानी दे रहा हूँ। तो गैस ये है कैंडल डाइस का दूसरा पार्ट, इसमें भी पानी दे रहा हूँ। हाँ, पानी देने का काम खत्म हो गया। ये थोड़ा सा एक प्लेट में रिफाइंड ऑयल लेते हैं, डाइस में थोड़ा रिफाइंड ऑयल लगाना होगा। तो प्लेट में ले लेता हूँ थोड़ा रिफाइंड ऑयल, ले लिया थोड़ा सा। तुमने देख ही लिया कि मशीन दो पार्ट का है और दोनों साइड में पानी डाल दिया। अभी ये एक ब्रश है और इधर देखिए रिफाइन ऑयल है ये, और थोड़ा ब्रश में रिफाइन ऑयल लेते हैं, लेके डाइस में लगाते हैं। ये बहुत जरूरी काम है, आपको ये लगाना रिफाइन ऑयल डाइस में। ये देखिए हो गया मेरा रिफाइन ऑयल लगाने का काम। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये है धागा, दो धागा है यहाँ, और दोनों को एक साथ जोड़ना है, जो के फिर डाइस में धागा लगाना है। तो चलिए धागा लगाने का काम आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस देख सकते हैं धागा इसे लगाते हैं, ये धागा। तो गाइस देख सकते हैं धागा लगाने का काम लगभग खत्म। अभी धागा लगाना पूरा हो गया और इसको जहाँ से लिया था वहाँ रख दिया। अभी आप देख सकते हैं ये जो डाइस है ये दो पार्ट का है, तो धागा तो लग गया और अभी डाइस को दो पार्ट है वो एक जगह में कर देते हैं। देखिए एक जगह में कर दिया, और इसका एक चाबी है, चाबी को थोड़ा हल्का सा घुमा के इसको टाइट देना है। इतना टाइट देने का जरूरत भी नहीं है, थोड़ा सा टाइट देने से हो जाएगा। अभी पैराफिन वैक्स सबसे जो जरूरी है, पैराफिन वैक्स अभी कैसे देते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पैराफिन वैक्स गल के तैयार हो गया। अभी थोड़ा सा लेते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए मोमबत्ती कैसे बनाते हैं। तो चलिए आइए पैराफिन वैक्स लेते हैं। ये है पैराफिन वैक्स, ये गल गया, गल के आपको पानी जैसा दिखेगा कि आप लोगों को लगेगा कि ये पानी है। तो चलिए वैक्स तो ले लिया, अभी कहें आप लोगों को। ये पैराफिन वैक्स अभी कैंडल का डाइस में डल रहा हूँ। देखिए इसी तरह से ही पैराफिन वैक्स को कैंडल की डाइस में डाला जाता है। देखिए बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये हो गया और नहीं चाहिए। अभी पैराफिन वैक्स डाइस में डालने का काम खत्म हो गया। तो अभी थोड़ा वेट करना होगा कि पैराफिन वैक्स जो दिया है वो लिक्विड था, और साइड में आप देख सकते हैं मशीन की डाइस के दोनों तरफ पानी है, और ये जमने के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा गाइस। तो थोड़ा वेट कीजिए, फिर दिखाते हैं खुल के कि मोमबत्ती कैसे खोला जाता है। तो गाइस अभी पैराफिन वैक्स तो डाल दिया,
जो कैंडल डाइज है उसकी ऊपरी हिस्सा जो है उसमें जो धागा लगाया था वो धागा को अभी काटना है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कारपेंटर यूज करते हैं, ये बाड़ाली है तो इससे उस धागा को काट देते हैं। देखिए धागा को काट दिया, धागा तो काट दिया, अभी बाड़ाली से जो कैंडल की ऊपरी हिस्सा है उसको थोड़ा साफ करना है, वॉक्स को हटाना है। तो वॉक्स को हटा दिया। तो गाइस देख रहे हैं कि मोम बन के तैयार हो गया, अभी बस खोल के आपको दिखाना है। तो इधर देखिए खोल दिया, ये देखिए मोमबत्ती हो गया। मोमबत्ती ऐसे ही बनाया जाता है और पूरा प्रोसेस तो आप लोगों को दिखाई दिया, देख सकते हैं। अभी मोम को डाइस से निकालना है, ये देखिए, ये देखिए मोमबत्ती। अभी इसको बीच में से काटना है, देखिए डाइस से इसे ही निकाला जाता है मोमबत्ती। ये अभी आप लोगों को मैं जो दिखाया मोमबत्ती बनाने का प्रक्रिया, ये फैक्ट्री प्रोसेस है, जो फैक्ट्री में हम लोग बनाते हैं तो इस हिसाब से और इस तरह से ही बनाते हैं। गाइस जितना मोम बना था पूरा मोम ले लिया, ये है पूरा मोमबत्ती, इतना बना है, एक बार में इतना ही बनते हैं। देखिए पूरा दिखा दिया आप लोगों को, अभी बस बीच में से काटना है। तो एक बहुत है, एक साथ में तो काट नहीं सकते हैं, तो इसलिए दो बार से काटेंगे। देखिए इस तरह से बीच में से काटना है, देखिए ये हो गया मोमबत्ती। तो गाइस आप लोगों को दिखा दिया कि फैक्ट्री में कैसे मोमबत्ती बनाया जाता है। आप लोगों को अभी जो दिखाया ये हमारी फैक्ट्री का प्रोसेस है, आप लोगों को जो अभी दिखाया। और गाइस खुशी की बात यह है कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से अभी मेरा 7K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गया। तो आगे भी इसी तरह से गाइस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहना और आप लोगों को नए नए वीडियो भी दिखाएंगे। पहले ही बोला था कि आप लोगों को हर टाइम नॉलेज वाला वीडियो दिखाएंगे गाइस। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, तो कल मिलते हैं नए वीडियो।